वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यूपी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो रोजगार विथ अंकित बुक है उसी का हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। जिनके पास बुक है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इसलिए हम उसका रिविज़न आप लोगों को करा दे रहे हैं ताकि आप लोग भी पीछे न रहें। तो हम आज शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला, और इसमें जो प्रश्न है वे काफ़ी अच्छे हैं। लगभग हर क्षेत्र से प्रश्न को सम्मिलित करने की कोशिश रोजगार विथ अंकित टीम की तरफ से की गई है। तो हम बात कर लें कि निम्नलिखित, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। होजागिरी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो यह है त्रिपुरा का। और यह क्लास आपको एसएससी जीडी के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि स्टैटिक का रोल एसएससी जीडी में भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिससे 2000 में पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित किया गया। तो ऐसी कौन सी नृतक या नृत्यांगना है जिन्हें पहली बार सन 2000 में पद्म विभूषण मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर, ऑप्शन नंबर ए रुक्मणी देवी, ऑप्शन नंबर डी इलायना सिटारिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि केलूर चरण महापात्रा को पहली बार मिला था। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट इंडियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, और शशि थरूर की बुक हमेशा पूछ जाती है, देयर ऑफ द डार्कनेस भी शशि थरूर का, ये याद रखिएगा आप लोग। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो अली अकबर जो है उनका जो संबंध है वह सरोद है, सरोद वादक थे वे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो है केसरिया स्तूप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदय शंकर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड किसको मिला 2022 का। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा सतीशन को मिला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो ओणम मनाया जाता है केरल का त्यौहार, आप लोग को सब पता होगा अच्छे से, ओणम केरल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दीजिए कि अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होगा, श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अमृतसर में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपको पता है दिल्ली में स्थित है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। तमाशा आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र का है, भांगड़ा गिद्दा पंजाब का है, घूमड़ राजस्थान का है, और गरबा है गुजरात का। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसका आप लोग उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 102 का उत्तर दीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कौन सा लोकगीत है। तो आप सभी पता होगा कि उत्तर प्रदेश का कजरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के दृष्टि से क्वेश्चन आ भी सकता है इस बार पेट में। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो बाउल गायन जो है वो बंगाल का एक लोक नृत्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पड़वानी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत बार ऐसे रिपीट कर चुके हैं, पड़वाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ का है, और हरेली भी छत्तीसगढ़ का है, ये भी त्यौहार याद रखिएगा। राउफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राउफ आप सभी को पता होगा कि राउफ जो है वे जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो यह असम की लोक नृत्य शैली है केली गोपाल। असम की जो लोक नृत्य शैली है केली गोपाल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। 107 का उत्तर दीजिए, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा सी पंजाब में, हमने ऊपर भी बात किया था। परिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है।
पहाड़ी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। पहाड़ी लोक नृत्य कहाँ स्थित है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 109 का उत्तर दीजिए कि यक्षगान नामक लोकगीत का संबंध किस राज्य से। तो इसका राइट आंसर होगा यक्षगान जो है कर्नाटक का है, याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? 110 पे आप लोग फोकस करिए, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू आप सभी को पता है असम का है। हालांकि बिहू पहले बहुत पूछता था लेकिन अब ये लगभग सबको याद हो चुका है, लेकिन फिर भी बिहू इंपॉर्टेंट सदैव रहा है और यक्षगान अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? इसमें तीन लोग गजल गायकी से संबंधित है, एक लोग नहीं है, तो आप लोग बताइए कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी भाई वरोडर नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? 112 का उत्तर करिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोग का कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार शर्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मरसानी किस गायकी से संबंधित है? तो पिनाज मरसानी किस गायक से संबंधित है, तो ये बताइए आप लोग। तो 113 का जो होगा वे राइट आंसर हो जाएगा, 113 का राइट आंसर होगा बी, पिनाज मरसानी जो है गजल गायिका है। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है? बेगम अख्तर जो है कला के किस विद्या से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट। तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा संगीत शैली किस रूप से प्रसिद्ध है? अगर तानसेन अवार्ड पूछ दे, ये भी पहले पूछा जाता था, तो वह मध्य प्रदेश का अवार्ड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा कौन सा नहीं है? 116 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा तिल्लाना हिंदुस्तानी नृत्य शैली का हिस्सा नहीं है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के गायन का गौरव प्राप्त है? 117 का उत्तर दीजिए कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के गायन का गौरव किसे प्राप्त है? तो 117 का हो जाएगा AMAS सुब्बुलक्ष्मी। और सबसे पहले जो है भारत रत्न अगर किसे मिला, तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लता मंगेशकर जी का अभी अगले साल ही देहांत हुआ है, तो ये क्वेश्चन इस बार पूछने की संभावना है कि भारत रत्न सबसे पहले किस गायिका को मिला है। तो ये सुम लक्ष्मी जी को ही मिला है और उसके बाद लता मंगेशकर जी को मिला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो 2001 में लता मंगेशकर जी को प्राप्त हुआ और इनको 1998 में प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 119 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग कि त्यागराज का संबंध किससे है? त्यागराज का नाम संबंधित है, तो त्यागराज का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज। और अब तक हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम जल्दी से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया, ये स्टैटिक और हिस्ट्री दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो शास्त्रीय संगीत जो है वह श्यामवेद से लिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको जो 5 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं वहाँ से भी देखने को मिल सकता है, या फिर ये आपको स्टैटिक में देखने को मिल जाए। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से, इसका उत्तर दीजिए। तो उनका संबंध है वायलिन वादन से है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी बजाते थे। और एक बार ये चीज़ें आप लोग भी अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड बदल चुका है, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन कम कर दिया गया और स्टैटिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। हालांकि यहाँ पे तो सबका वेटेज बराबर है, लेकिन अदर एग्जाम के नज़रिए से देखें तो पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 123 का उत्तर दीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन होगा सी, मृदुगम। बीबी सूर्य ब्राह्मण किस खेल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन होगा वायलिन। दोनों लोग का संबंध जो है यह वायलिन से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिन नहीं है? तो विलायत खान का संबंध, तो विलायत खान का जो संबंध है वह सितार वादन है, अल्लाह रखा तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला, लेकिन अहमद खान का संबंध पाकवाद से नहीं है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशिष्टता है? तो जाकिर हुसैन आप सभी को पता होगा
ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तबला वादक प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन या लेखिका कौन है? तो वाइट के लेखिका जो है, वाइट टाइगर के लेखिका जो है, अरविंद अड़गिया है। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे? तो पंडित किशन महाराज का संबंध जो है वह तबला वादक से। पंडित रविशंकर को किस वाद्य संतत बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर जी हैं, वह सितार वादक हैं। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 131 का आंसर होगा ए, सितार वादक। हालांकि आवाज़ थोड़ी फंस रही है, थोड़ा सा आप लोग आज पहली क्लास में थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का जो संबंध वह गोल्फ से है। तो और गोल्फ से है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि गोल्फ भारत में उतना प्रचलित नहीं है और अदिति अशोक का नाम गोल्फ से जुड़ा हुआ, ये याद रखिएगा। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर जो है वह हरियाणा का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कादरी गोपालनाथ का संबंध जो है सैक्सोफोन से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कदांग मठ जो एक बौद्ध स्थल है, निम्न भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कदांग मठ, ये बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। कदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कमला नारायण किस राज्य की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कमला नारायण 136 का राइट आंसर होगा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम आप सभी को पता होगा तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी क्रेज। द डायरी ऑफ अन यंग गर्ल जो है एनी क्रेज की आत्मकथा है। सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सराय नूरमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में सराय नूरमहल स्थित है। रोड टू मसूरी किस लेखक की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा रस्किन बांड का, यह है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रोड टू मसूरी रस्किन बांड। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन है, आज के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम 91 से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन करना और 141 तक आए हैं, 50 क्वेश्चन हम लगभग कर लिए आज। तो ऐसे ही हम रोज 50 क्वेश्चन की आपको सीरीज लेके आएंगे और पिछले आने वाले 8 दिनों में हम आपको 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।